राजस्थान में धरे रह गए बड़े बड़े चाणक्य, महारानी ने पिला दिया पानी, दिल्ली वालों को भी बदलना पड़ा फैसला, रखे रह गए सारे देवर, वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने चले थे, खुद बीजेपी के विधायकों ने कर दी बगावत, कमल छापों की बुरी हो गई हालत, बेटे के साथ बीजेपी के दफ्तर में धंधनाती हुई पहुंची वसुंधरा, बाहर आकर कर दिया ऐसा ऐलान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होगी बगावत। मुलाकात के बाद यहाँ से निकली है, लेकिन इस एक तस्वीर को गौर से देख लीजिए, चेहरे पर ये मुस्कान कई धुरंधरों को चित हो जाने की कहानी बयां कर रही है। वो धुरंधर जो खुद के नाम की आंधी पूरे देश में चलाने की कथा सुनाते रहे, वो धुरंधर जो खुद को राजनीति का चाणक्य बताते रहे, अब उन्हीं धुरंधरों को एक महारानी ने पानी पिला दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने वाकई साबित कर दिया कि राजस्थान की राजनीति की वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द ही बीजेपी का वजूद है। वो इधर उधर हुई तो राजस्थान में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। एक दिन पहले जब वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंची थी तो नड्डा या शाह से मुलाकात पर साफ इनकार कर दिया था और परिवार से मुलाकात का जिक्र कर बीजेपी की फिक्र को बढ़ा दिया था, जिसके बाद फिर से बीजेपी के बड्डे वाले नेताओं ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत पर विधायकों को कैद करने का आरोप लगाया जाने लगा, जिस पर वसुंधरा ने अपने बेटे दुष्यंत को भी दिल्ली बुला लिया और फिर बीजेपी के दफ्तर में धंधनाती हुई पहुंच गई। जब निकली तो चेहरे पर मुस्कान थी, यानी गुजरात वाले जोड़ीदारों का घमंड टूट चुका था, जिन्होंने महारानी की सियासी कहानी को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन उधर वसुंधरा के पक्ष में करीब करीब 60 विधायक जमा हो गए थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ महारानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम बनाने पर अपनी मोहर लगा दी। ऐसे में गुजरात वाले जोड़ीदार समझ गए कि अगर थोड़े और तेवर दिखाए तो बनी बनाई कहानी बिगड़ जाएगी और बीजेपी दो फाड़ हो जाएगी। मुलाकात के बाद यहाँ से निकली है, ये मुस्कान बता रही है कि आखिरकार वसुंधरा को तेवर दिखाने वालों ने अपने हथियार डाल दिए। लेकिन अब भी वसुंधरा राजे के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा जानती है। लेकिन चाणक्य की सारी रणनीतियां एक महारानी ने बेदर्दी से कुचल कर रखी। स्पेशल डेस्क द कंटाक्ट।